और अपना सबके कार्यक्रम में की सब करबे से बारे में ए अपन वेदिक युवा क्लब का अध्यक्ष श्री रोशन यादव जी का अपन छोटकड़ी में विचार रखने के लिए हार्दिक अनुरोध करे छी। धन्यवाद। कृषि विशेष कार्यक्रम के उद्घोषक महोदय तथा अपन डेल्ही युवा क्लब के प्रमुख सलाहकार इंजीनियर मिस्टर प्रदीप यादव जी आ उपाध्यक्ष मोहम्मद अताउल आलम जी, सबसे पहले आजू के कृषि विशेष कार्यक्रम के अध्यक्षता के निहार अरे बलान बिहुल गांव पालिका वड़ा नंबर 4 के वड़ा अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहम्मद हंसु मिया प्रमुख अतिथि के रूप में अपन अमूल्य समय के आसन ग्रहण के निहार अरे बलान बिहुल गांव पालिका के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय सामान्य श्री दयानंद वैद्य विशेष अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम के सफलता के ऊंचाई तक पहुंचावे वाला एक बलान बिहुल गांव पालिका के कृषि अधिकृत आदरणीय श्री मुसहरू साहजी तेनाते अतिथि के रूप में आसन ग्रहण के निहार आदरणीय श्री मुस्तफा आलम जी, श्री भागवत शाह जी, सबसे पहले अपने सबका हम रोशन कुमार यादव ई अपन दिल्ली युवा क्लब के तरफ से कृषि विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करना चाहे छी। तेनाते आजू के कार्यक्रम के सबसे अभिन्न अंग रहे वाला किसान सबके विशेष स्वागत तथा नमन करना चाहे छी। तेनाते आई के विशेष कार्यक्रम के सफल बनेबा हेतु अपन उपस्थिति जनाबे वाला बुद्धिजीवी राजनीतिकर्ता महिला युवा वर्ग साथी विद्यार्थी शिक्षक लगाए संपूर्ण महानुभाव तथा जन समुदाय के पुनः एक बेर हम रोशन कुमार यादव अपन डेली युवा क्लब के तरफ से हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करना चाहे छी। ऐसे पहले अपन डेली युवा क्लब द्वारा एकटा प्रोग्राम का सफलता पूर्वक उद्घाटन तथा समाप्ति भ गेल छे। उ कार्यक्रम के नाम छे शिक्षक अभिभावक अंतर क्रिया कार्यक्रम। जय कार्यक्रम में शिक्षक सबका अभिभावक सबका अंतर क्रिया छे। आई का प्रोग्राम के नाम रखल गेल छे कृषि विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले ई प्रोग्राम किया रखल गेले ए चीज का सबके समग्र में हम एक प्रेजेंटेशन शो बनाने छी। आगे अ प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सब आदमी का सब किसान सब का राजनीतिकर्ता जते भी आदमी छे सब आदमी को हम जानकारी करा जे कार्यक्रम का उद्देश्य की छे। सबसे पहले हम लिखना छे व्हाई एग्रीकल्चर स्पेशल प्रोग्राम, मतलब ई प्रोग्राम किया रखल गेले ग ए प्रोग्राम का की उद्देश्य सब छे। अंत में ई प्रोग्राम भेला के बाद केहन किसिम का फायदा सब किसान सब के लेल भ सके सब चीज के समेत के प्रेजेंटेशन बना रहे छे। जेना अखन सबसे पहले किसान सब के समस्या सब की छे, सबसे पहले समस्या बुझा पड़ते तब माते हुई के लेल समाधान के लेल अगाड़ी बढ़ा पड़ते। जेना समस्या सब छे जेना लैक ऑफ ट्रेनिंग देने छे, मतलब किसान सब के सबसे पहले समस्या ई छे जे ओकरा सब के ट्रेनिंग के अभाव छे। ओकरा सब के ट्रेनिंग नहीं भेला के कारण से कोन समय में कोन बाली लगेबे केहन किसिम के ओहिमे खाद पड़ देबे वो चीज का अभाव छे जे चीज के निराकरण करे पड़ते। ये एक बड़का चैलेंज छे समस्या छे किसान सब के लेल। तकर बाद दोसर समस्या छे लिखना चाहिए नॉट गेटिंग सीड्स इन टाइम। जेना
किसान सब समय में बीया बाली सब नहीं पाबला के कारण ओह में बहुत कठिनाई है जे के कारण से अपन फसल सब नहीं निक जगह उपजा सके है। तक तेसर नंबर में लिखल नो नॉलेज अबाउट इंसेक्टिसाइड, जेना किसान सब फसल लगाबे से बाली नाली सब लगाबे है लेकिन जे मात्रा में ओकर आउटपुट हेबाक चाहिए जे मात्रा में ओकर परिणाम हेबाक चाहिए उस मात्रा में नहीं आबे छै क्याकि किसान सब को इंसेक्टिसाइड के बारे में सही जानकारी नहीं छै। कौन समय में केहन किस्म के विषाणी देवे केहन किस्म के दवाई देवे ओ चीज के जानकारी नहीं छै से सब समस्या है। तक इरिगेशन प्रॉब्लम मतलब हो गए सिंचाई के स्रोत समस्या है और सब एक भाई समस्या छै ई समस्या सब छै। तक अगर बात हम कहबे समस्या के केना समाधान कयल जेतै आ तो बहुत विशेषज्ञ आदमी सब सेहो सब छै जे कृषि से जुड़ल छै से अपने सब के सेहो कहतै समस्या के केना निराकरण कयल जाय छै। तक हाई अगर कॉस्ट एंड गेटिंग लेस आउटपुट, अगर मतलब ई भ गेलै जे किसान सब अपन फसल लगाबै छै अपन बाली नाली लगाबै छै जाहिमे बहुत मात्रा में ओकरा सबके कॉस्ट लग जाए लागत लग जाए खर्च लग जाए लेकिन ओकर परिणाम ओकर रिजल्ट कथि आबे बहुत कम उपजा होइ छै कियाकि सब अखन देख रहल छै एकटा लेबर अखन काम करे एकटा मतलब खेत में जाए बन करे ले कोई आदमी जाए तो 500 रुपया ले 600 रुपया ले छै लेकिन ओकर परिणाम में किसान सबके फसल में उपजाऊ नहीं होइ छै जेके कारण से किसान सबके बहुत समस्या होइ छै। तकर बाद मॉडर्नाइजेशन टूल्स, अखन जेना खेती बाड़ी के लेल बहुत किसिम के टूल सबके सुविधा सब छै जेना कि एहन किसिम के मशीन सब चलल छै जे अहाँ की एक घंटा में अहाँ के 2 कट्ठा 4 कट्ठा तक धान बाली काटि सकै छी लेकिन एहिठिना एहन किसिम के प्रविधि सब नहि छै ओहो प्रविधि से जोड़ पड़तै। हम अहाँ अखन प्रविधि से बहुत पछाड़ी छियै ओ मशीन सब से बहुत पछाड़ी छै ओ मशीन के केना यूज करल जेतै से विशेषज्ञ सब अपने सब के जानकारी देत। तकर बाद डिपेंडेंट ऑन गॉड, बहुत आदमी सब फसल लगा दे छै पाइन नै पड़े है बहुत और सब और समस्या सब जे भगवाने पर है ऊपर वाला बकै छै ऊपर वाला मतलब आप साथ देते तो उपजते आ नै साथ देते तो नै उपजते ओ वास्तव में वही समस्या से बाहर आवे पड़ते वही से निकल पड़ते ग। तकर बाद हो गेले नो कम्युनिकेशन बिटवीन फार्मर एंड लोकल कंसर्न बॉडी, जेना किसान सब को एहि सब संबंधित विशेषज्ञ सब जेना भेलै गांव पालिका में भ गेले अपनो सब के वाड़ा कार्यालय में छै जेना प्राविधिक जेना ब्रिजेश जी भेलै ग हमरो सब के थाह नै छलै जे अपना सब के वार्डो कार्यालय में कृषि के प्राविधिक छै क्याकि बोर्ड बगल नै छै एठना कोनो जानकारी नै छै बाद में जाकर एहि बीच में 4-5-10 दिन पहले थाह रखलै जे मतलब वोट है कृषि के प्राविधिक छै किसान सब के हमरा सब के जानकारी नै छलै तऽ किसान सब के की जानकारी हेतै तो बहुत समस्या सब ओहो के लेल छै ताहि के लेल ओहो चीज के लेल बात करतै किसान सब के ओहि जगह तक केना पहुँचतै ओहि आदमी से केना बात करतै ग ओ चीज के लेल युवा क्लब ओकरा सब के लेल एकटा रोड के निर्माण करते पुल के निर्माण करते। तकर बाद दो मीडियम टू स्टोर गुड्स फॉर मम कंटेनर, धान बाली उपजाबे प्याज उपजाबे आलू उपजाबे लेकिन अहाँ का की है जे ओ अहाँ का 2 महीना में 4 महीना में खत्म भ जाय छै ग वहा किसान सब जे उपजे नै रहै छै आलू उपजे नै रहै छै प्याज उपजे नै रहै छै ओकरा अहाँ का 10 रुपए बेच दै छै 20 रुपए बेच दै छै वही समय में लेकिन 4 महीना के बाद 5 महीना के बाद की करे पड़ै छै वहा 50 रुपए किनै पड़ै छै 100 रुपए किनै पड़ै छै किया किनै पड़ै छै किया कि वहा किसी के माध्यम नै छै ग किसान सब क स्टोर करे वाला माध्यम नै छै ग सील जेना कोल्ड स्टोर सब नै छै एठना ओ सब के समस्या के कारण सब किसान सब के वहा अपने सब उपजेला चीज के जे 10 रुपए बेचल के 4 महीना के बाद 5 महीना के बाद ओकरा 50 रुपए किनै पड़े 100 रुपए किनै पड़े किया किनै पड़े से अपने सब के ओ चीज के निराकरण के उपाय सब बते दे। तकर बाद सेटिंग द आइटम्स इन लो कॉस्ट अपन आपके देली, जेना अहा के किसान सब की करे जेना उपजते कोनो चीज ओकरा 50-10 रुपया में बेच दे छै आ वेह समान के फेरो 4 महीना के बाद 5 महीना के बाद 50 रुपया में किने छै 100 रुपया में किने एहि चीज के हम कहि देली पहिलियो। तकर बाद अहाँ के नॉट नोइंग द यूज ऑफ साइंटिफिक सीड्स, मतलब ई भ गेलै कि बहुत किसिम के वैज्ञानिक मतलब व्यू सब मिले है वैज्ञानिक तरीका से टेस्ट के आधार सीड सब मिले है बिया सब मिले है लेकिन हम अहाँ की करे वह घर में वह आलू अथी के लिए मतलब जे लिए फिर फिर घर में रख लिये दोसरों साल वह कर लिये वही से की है समस्या अहाँ का जते मात्रा में उपजाउ हेबाक चाहिए प्याज भेले आलू भेले तते मात्रा में ओकर आउटपुट नहीं आवे परिणाम नहीं आवे क्याकि हम अहाँ साइंटिफिक सीड सब है जे वैज्ञानिक तरीका से टेस्ट के रहा जे ट्यूब वाली सब है ओकरा यूज नहीं करे छे जे विश्लेषण करब जे कृषि से जुड़ल है उ सब अहाँ विश्लेषण करबे करब। तकर बाद प्रॉपर मार्केटो नहीं छै किसान सब उपजाबे मार्केट सब नहीं छै जे के कारण से किसान सब के कमे दाम में सामान बेचे पड़े है आ
तकर बाद दोसर समय से की सोचे आप कृषि पर मतलब कृषि छोड़ पड़ते गए बहुत युवा सब विदेश जा लगे मतलब कृषि को छोड़ कर अपन दोसर रास्ता खोज लगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं क्या खेत खेत में जाकर क्या अगर ना इलेक्ट्रिसिटी न सिंचाई के व्यवस्था है जैसे कारण किसान सब मार में पड़े भगले समस्या आब का समाधान मेन समस्या सब भगल अ समस्या के समाधान करे के लिए तीन टा मात्र हम अहा सोल्यूशन लिख रहा जे कार्यक्रम का उद्देश्य जैसे फर्स्ट में लिखने टू कनेक्ट फार्मर एंड लोकल कंसर्न बॉडी जना फार्मर सब किसान सब किसान के जना ऐसे रिलेटेड संबंधित व्यक्ति सब जना प्राविधिक भेले कृषि अधिकृत सब भेले वही आदमी से केना जुड़े के मौका मिलते ग क्या बहुत आदमी तो चिंतो नहीं होबे गे अपना सब के वड़ा कार्यालय गदिबे से बड़ा प्योर कंपनी का वड़ा नंबर 4 का प्राविधिक प्राविधिक का जे अहा के एक मतलब स्पेशल आदमी छे ब्रिजेश झा जी बहुत कम आदमी चिन्हे रहते गे उनका विचार विमर्श लॉ सके कहन किसी के पानी कहन किसी के इंसेक्टिसाइड यूज कर पड़ते गए बहुत आदमी के थाने हेते गए कृषि के अधिकृत के चिंतो नहीं हेते बहुत आदमी आदमी का किसान का चीज का जोड़ पड़ते गए तक बाद एग्रीकल्चर में कुछ मॉडिफाई चेंज कर पड़ते गए जना बहुत किसी का प्राविधिक सब मशीन सब चल औजार सब चल जैसे माध्यम से अहा एक घंटा में पहले कर एक घंटा में दू घंटा में कठोर के कठा तीनों के बीघा अहा धान गहूम सब कटाई कर सकते जैसे अपन खर्च बचा सकते तक बाद टू कनेक्ट द फार्मर इन एग्रीकल्चर बहुत किसान सब आप देखे आप ऐसे फायदा नहीं है आप ये फील्ड के छोड़ पड़ते गए खेती बाड़ी के छोड़ पड़ते किसान वाला फील्ड के छोड़ पड़ते मतलब आप दोसर रास्ता चूज कर रहे तब सबके फिर केना के जोड़े ग चीज का सो विश्लेषण करे के लिए हम संबंधित पक्ष सब से आग्रह करब लेकिन ये तीन टा चीज का यदि निराकरण भ गेले त किसान सब का जरूर कुछ न कुछ राहत कुछ न कुछ मात्र में बहुत राहत मिलते ये तीन टा चीज हमरा सब का ऑब्जेक्टिव में रखना चाहिए उद्देश्य में रखना चाहिए जे चीज का और विश्लेषण करे के लिए हम कृषि से रिलेटेड कृषि से संबंधित विशेषज्ञ सबसे अधिकृत सबसे संबंधित मतलब निकाय सबके हम विशेष विशेष आग्रह करब अत कहे हम अपन दु शब्द।